ये दो कंटेस्टेंट जिनको पर्सनली मैं जानती हूँ, जी हाँ, बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट की बात कर रही हूँ, एक का इंटरव्यू भी मैंने शेयर किया है, तो आपको तो मेरे बारे में पता ही है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो वीडियोस हैं, रिव्यू शेयर करने से पहले मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम किया करती थी, कई सारे ऑडिशंस करना एक्टर्स के, उनको बुलाना, तो ये सारे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के काम हुआ करते थे। तो उस दौरान कई बार होता है कि कुछ कुछ एक्टर्स से आपकी काफ़ी ज़्यादा वाइब मिल जाती है, आप उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, कई सारे एक्टर्स अब बिग बॉस में भी आने लगे जिनको मैं पर्सनली जानती थी, जैसे कि अर्चना गौतम 16 में आई थी, तो उसको देखकर लगा कि हाँ, इसको तो मैं जानती हूँ, उससे मैं कुछ साल पहले मिली थी। फिलहाल अभी इस सीज़न की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस सीज़न में एलिस कौशिक और मुस्कान बाबने, इन दोनों कंटेस्टेंट को मैं पर्सनली जानती हूँ, इनसे मैं मिली भी हूँ। साथ ही सारा अरफीन खान को भी मैं जानती हूँ, उनसे मैंने फ़ोन पर बात करी, लेकिन मुस्कान बामने और साथ ही यहाँ पर एलिस, इन दोनों से मैं पर्सनली मिली हूँ, मैंने बात करी है, क्योंकि जब कास्टिंग के दौरान पर ही बातचीत होती रहती थी। मुस्कान की अगर हम बात करते हैं, तो मुस्कान जो है ना, बहुत ज़्यादा स्वीट बंदी है, बहुत ही प्यारी बंदी है, मुझे नहीं पता कि वो बिग बॉस मटेरियल है या फिर नहीं है, लेकिन वो बहुत ही रियल रहने वाली, मतलब बिग बॉस मटेरियल इन द सेंस कि जैसे लोग करते हैं बिग बॉस में रहने के लिए चीज़ें, ऊट पटांग, मुझे नहीं पता कि वो सारी चीज़ें करेगी भी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि वो वैसी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट बंदी है। बचपन से ही उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और तब जा करके उसको इतना ज़्यादा फेमस शो मिला है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स उसने किए हैं, जी हाँ, बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, उसके फैमिली में उसके चाचू ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो बहुत ही स्वीट बंदी है। आप उसको शो में देखिएगा, अगर आपको लगता है तो उसको ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सच में, सच बोल रही हूँ मैं, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही अगर बात करें एलिस कौशिक की, तो एलिस कौशिक की कल आप लोगों ने स्टोरी सुनी, बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते हैं ना, तो सच में दुनिया का हर इंसान आपके साथ हो लगता काफ़ी ज़्यादा अधूरा है। एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, माँ बाप का साथ ना होने के बाद भी एक लड़की मुंबई आती है, स्ट्रगल करती है, ऑडिशंस देती है और फिर एक मुकाम जो है ना हासिल करती है। जब मैं उसे, यू नो, जब वो आई थी इंडस्ट्री में ऑडिशंस के लिए, हम उसको बुलाते थे, तो शुरुआत में जैसे कभी सिस्टर का कैरेक्टर हुआ, फ्रेंड का कैरेक्टर हुआ, उसके लिए एक प्रेफरेंस रहती थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसने खुद में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है, सोची वो लीड भी करी और उसके बाद वो बिग बॉस के घर में आ गई, तो एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप किसी को जानते हो, देखते हो कि उसने शुरुआत यहाँ से करी और वो यहाँ पर पहुँच गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एलिस ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खुद को प्रूफ किया। हर इंसान देखिए मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली जानते हो, उसकी पर्सनल ग्रोथ देखते हो कि यहाँ से यहाँ तक कि वो किस तरीके से पहुँची है, तो ये दो कंटेस्टेंट जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनका स्ट्रगल मैंने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक कि वो कैसे पहुँचे हैं, चाहे वो मुस्कान बामने हो, चाहे वो एलिस कौशिक हो, दोनों ने ही बड़े बड़े शो कर लिए, लेकिन उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी, जी हाँ, काफ़ी नीचे स्तर से शुरुआत उन्होंने करी थी, शुरुआत में, यू नो, ऑडिशंस देने, चाहे वो छोटे छोटे कैरेक्टर हो, चाहे वो कैसे भी, मतलब कैमियो हो, वो लोग उसके लिए ऑडिशन देते थे, फिर धीरे धीरे करके एक बड़े बड़े शोज़ में आना, लीड करना, ये भी बड़ी बात होती है, क्योंकि इन्होंने मेहनत बहुत करी है। फिलहाल आप बताइए आपको ये कंटेस्टेंट कैसे लगे, मुझे ये तो पसंद है, लेकिन मैं विव्यान की भी वजह से इस बार ये सीज़न देखने वाली हूँ, क्योंकि इनका भी इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से था। क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू।